वेलकम टू सजीर भाई गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज का जो वीडियो का टॉपिक है कुछ अलग है। स्प्लेंडर है, BS6 एक्सटैच है, न्यू मॉडल बाइक है और इसमें माइलेज बहुत कम आ रहा है क्योंकि कंपनियों का कहना है 70 के ऊपर माइलेज दे रहा है या 60 के ऊपर माइलेज दे रहा है, बट मुझे नहीं लगता ये बाइक में इतना माइलेज दे रहा है। तो लग रहा है कि 50 के आसपास में या 60 के आसपास में दे रहा है। तो हम लोग माइलेज किस रिकवर करें जिसमें कि हम लोग का माइलेज बने, जिस हिसाब से बोल रहा था 70 का मिल जाएगा। तो गाइस आज हम जैसे कि मेरे पास OBD स्कैनर है, पिछले वीडियो में हमने बताया था इससे काफ़ी सारे चीज़ हम जैसे कि कर सकते हैं। तो गाइस ये है हम लोग का OBD2 और V311 मॉडल, इसकी मदद से आज हम लोग माइलेज टेस्ट करेंगे और इसको हम लोग बनाएंगे टेकोमीटर। तो इससे हम लोग पता चल जाएगा जो RPM हम लोग का बाइक में कितना है, कितना रखना चाहिए और इसका जो हम लोग का ERM कम बेस करने का जो हम लोग का नॉट है उसे हम लोग किस हिसाब से रखता है। तो गाइस यहाँ देखिए, इस जगह पर दिखाइए, इस जगह पर आप लोगों को देखने को मिलेगा एक प्लास्टिक का नॉट है। ये हम लोग का जैसे कि हाथ से भी घूम जाएगा, ये हम लोग का ER मिश्रण करने के लिए है। तो ये मैकेनिकल का चीज़ है, कभी जब भी बाइक में हम लोग का जैसे कि माइलेज ख़राब दे या माइलेज जैसे कि बहुत ही कम दे, बाइक में स्टार्टिंग प्रॉब्लम हो, जैसे स्टार्ट गिर जाता है, तो इसके लिए हम लोग इस चीज़ इस नॉट का उपयोग करते हैं। तो बट फिलहाल जो कंपनियों का सिस्टम होता है वो नया बाइक के लिए ठीक है। अगर बाइक चलाते चलाते जैसे कि आप लोगों का मान लीजिए 15,000-20,000 किलोमीटर बाइक चल चुकी है, उस वक्त हम लोग को एक ट्यूनिंग करना पड़ता है। तो वो ट्यूनिंग कैसे करें, इस इस OBD स्कैनर की मदद से हम लोग करेंगे। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ, चलिए। तो गाइस माइलेज सेटिंग करने से पहले हम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देखना पड़ेगा, वो क्या मैं आपको बताता हूँ। एयर फिल्टर, सबसे पहले हम लोगों को एयर फिल्टर ओपन करके देखना पड़ेगा, तभी हम लोगों का जो एयर फिल्टर सही रहने से माइलेज सही आएगा और एयर फिल्टर ख़राब रहने से एयर फिल्टर हम लोगों को बदलना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। गाइस यहाँ देखिए, यह है एयर फिल्टर और लगता है ये एयर फिल्टर हम लोगों को बदलना पड़ेगा क्योंकि एयर फिल्टर बहुत ही, इसमें कचरा नहीं है बट मुझे नहीं लगता है सही होगा। तो अगर एयर फिल्टर आप लोगों के पास ख़राब हो जाता है तो एयर फिल्टर को आप लोग बदल लीजिए, तभी आप लोगों का माइलेज सही आएगा क्योंकि एयर का मिश्रण इसी जगह से जाएगा, इंजन के अंदर प्रवेश करेगा और यार और फ्यूल जैसे कि हम लोग इंजन से जिस हिसाब से ज़रूरत है उसी हिसाब से देना है। बट BS6 बाइक ऑटोमेटिक कैप्चर करेगा, बट स्प्लेंडर बाइक में खास करके ये चीज़ दिया गया है जो यार स्क्रिप का नॉट है, यार मिश्रण का जो नॉट है, ये हम लोग मैनुअल हिसाब से भी कर सकते हैं। तो चलिए वो किस हिसाब से हम लोग करें वो आप लोगों को दिखाता हूँ। इग्निशन ऑन किया, ऑन करने के बाद हम लोगों का OBD स्कैनर में इस तरह का आ रहा है। अब हम लोग एंटर बटन दबाएँगे, दबाने के बाद पूरा बाइक को कैप्चर करेगा, ठीक है। कैप्चर करने के बाद हम लोग यहाँ हम लोगों को एंटर बटन एक बार और भी प्रेस करना पड़ेगा, तभी हम लोगों का जो सिस्टम है खुलेगा। तो गाइस यहाँ हम लोगों का काफ़ी सारे ऑप्शन दिया गया है, रेड कोड, इरेज कोड, IM डाटा सिस्टम। तो हम लोग को जाना है डाटा सिस्टम में, तो चलो सर्कल करके हम लोग नीचे आएंगे, डाटा सिस्टम में जाएंगे गाइस। तो चलो ओके बटन मारता हूँ, एंटर बटन। अब यहाँ हम लोगों को बताएगा, यहाँ ग्राफिक्स सब दिया गया है, तो ऊपर ऑल व्यू थीम्स मारेंगे, ऊपर ही मारेंगे। तो चलो एंटर दबाते हैं, अब यहाँ हम लोगों का पूरा सिस्टम खुल जाएगा ऑटोमेटिक। तो गाइस यहाँ जितना भी सिस्टम है हम लोगों को खुल जाएगा, यहाँ फ्यूल सिस्टम है, फ्यूल सिस्टम, टू स्टेट है, कैलकुलेटेड लोड एंड वॉल्यूम, शॉर्ट टाइम फ्यूल एंड बैक एंगल है, इसका मतलब सब बता रहा है। तो हम लोग एक सर्कल करेंगे गाइस, सर्कल करने के बाद यहाँ हम लोगों को इंजन RPM जो है गाइस, इंजन RPM अभी बाइक स्टार्ट नहीं है, 0-0 बता रहा है। तो बाइक को हम लोग स्टार्ट करेंगे, पकड़ो इसको। चलिए यहाँ लिखा हुआ है सबसे पहले इंजन RPM, तो हम लोग बाइक को स्टार्ट करेंगे। बाइक हम लोग स्टार्ट गिर रहा है गाइस, तो अभी बाइक बंद हो रहेगा। या तो हम लोग जैसे थोड़ा इसको ढीला करेंगे, इस नॉट को थोड़ा ढीला करेंगे, अभी भी स्टार्ट गिर रहा है, तो लगभग अभी स्टार्ट हम लोग का देखिए कितना RPM है, 800। हम लोग को 1400 लाना है गाइस। चलिए थोड़ा ढीला कर रहा हूँ, ढीला कर रहा हूँ 1300 हुआ है, 1400 हो चुकी है गाइस, 1400।
1500 1400 के आसपास भी हम लोगों को रखना है, तभी बाइक का जो इंजन है हम लोगों को सही चलेगा। अब बाइक को एक बार हम लोग बंद करेंगे गाइस, बंद करेंगे और बाइक का इंजन जो जैसे कि रेसिंग है वो कैसा आ रहा है, चलिए दबाता हूँ। अभी हम लोगों का बाइक स्मूथली स्टार्ट हो रहा है कि नहीं और इंजन में स्टार्ट गिर रहा है कि नहीं वो चेकअप करेंगे। अभी हमने एक्सीलेटर पे हाथ भी नहीं दिया, दोनों हाथ हमारा यहाँ है, तो अभी हम लोग डिसाइड करेंगे इसका कितना आरपीएम नीचे सर्कल करेंगे। यहाँ इंजन आरपीएम है तो 1400 के आसपास में इसका आरपीएम है गाइस, ठीक है। अब हम लोग जैसे कि चेकअप करेंगे, रुकिए यहाँ चेकअप करेंगे बाइक का, हम लोग का पिकअप सही से आ रहा है कि नहीं। और थोड़ा पिकअप देंगे, यहाँ दिखाइए आरपीएम हम लोगों को कम ज़्यादा हो जाएगा। इसको पकड़ के रखिए, अच्छे से पकड़ो इसी हिसाब से बस। देखिए आरपीएम हम लोग दे रहा है तो इसमें आरपीएम हम लोगों का कम बेस ज़्यादा हो रहा है, तो मिनिमम BS6 बाइकों में हम लोगों को रखना पड़ता है जैसे कि 1400 के आसपास में। अभी थोड़ा कम जाएगा, पिकअप मैंने दिया था ऑटोमेटिक कम जाएगा गाइस, देखिए 1400 के आसपास में आ गया है। अब बाइक अभी जैसे कि स्मूथली का माइलेज देगा और पार्ट फेयर माइलेज देगा, तो फिलहाल अगर जिसके पास ये मीटर नहीं है तो उस बाइक के लिए मैं थोड़ा टिप्स बताना चाहता हूँ। ये जो केम का नाट है कंपनी से थोड़ा टाइट होकर आता है, इसका साथ है जैसे कि माइलेज हम लोग का ख़राब आता है, तो हम लोग माइलेज चेकअप करें। ये नाट को थोड़ा हम लोग जैसे कि I3S बन हुआ था, I3S बंद करना पड़ेगा, स्टार्ट ऑटोमेटिक बंद हो गया है। तो जिस बाइक को जैसे कि माइलेज ख़राब आ रहा है उस बाइक को यहाँ चेकअप करना है, जो ERS ग्रुप का नाट जो है इसको थोड़ा ढीला करना है। अब ढीला करने के बाद कुछ चीज़ आप लोगों को दिखाता हूँ गाइस। यहाँ हम लोग को दिया गया है RPM का नाट, इसको थोड़ा हम लोग अगर जैसे कि इसको थोड़ा हम लोग जैसे कि लूज करेंगे गाइस, ठीक है, 7 mm का बोल्ट लगेगा हम लोगों का। इसको पकड़ के रखो नाट को, 7 mm का नाट ढीला, देखिए यहाँ से अगर हम लोग RPM ज़्यादा करें तो ज़्यादा हो जाएगा गाइस, देखिए ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो हम लोग RPM अपने हिसाब से सेटिंग करेंगे गाइस, क्योंकि इंजन हम लोगों का जितना RPM कम रखेंगे इंजन हम लोगों का जैसे कि गर्म कम होगा। अब इस नट को हम लोग फाइनल टाइट कर देंगे, देखिए बस। अभी बाइक हम लोगों का माइलेज एकदम कम चुकी है और इसका RPM जो है कितना दिखाइए, RPM दिखाइए। तो अभी आप RPM में हम लोगों का 1400 के आसपास में इस मैशिंग में हम लोगों को दिखाएगा, 1400 के अगर नीचे कर देंगे गाइस तो हम लोगों का जो RPM है बाइक का स्टार्ट है वो गिर जाएगा, ठीक है। तो रखिए, तो गाइस आज आप लोगों ने क्या सीखा, जो BS6 बाइक स्कैनर मैशिंग की मदद से हम लोग जैसे कि बाइक का RPM भी सेटिंग कर सकते हैं, टेकोमीटर भी बना सकते हैं, माइलेज भी सेटिंग कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इस बाइक को जो माइलेज है वो बेहतर हो गया है, बट अगर नहीं हो रहा है फिर भी इसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है ये सही है क्योंकि हम लोग मैकेनिक जो है हम लोग को पता है यार स्क्रू का नाट अगर हम लोग ढीला करें तो यार का मिश्रण ज़्यादा जाएगा और फ्यूल का मिश्रण कम जाएगा, इससे कुछ हम लोगों को फ़ायदा मिलेगा और माइलेज परफॉर्मेंस बेहतर देगा। बट हाँ ज़्यादा नहीं ढीला देना है, ज़्यादा अगर फ्यूल हम लोग जैसे कि कमा देंगे तो बाइक का स्टार्टिंग प्रॉब्लम होगा, जैसे कि स्टार्ट गिरेगा, तो ये सब अच्छी तरह से मेंटेन करना है। इस नाट को आप अपने हिसाब से नहीं रख सकते, इंजन का हिसाब से रख सकते हैं। अगर ज़्यादा ढीला देंगे तो RPM इसका ज़्यादा हो जाएगा और बहुत ही 1500 के ऊपर में हो जाएगा, तो फिर हम लोगों को जैसे कि 1400 के आसपास में रखना पड़ेगा तभी काम पड़ेगा। तो गाइस ये स्कैनर आप लोग आसानी से ले सकते हैं, अभी मार्केट में चल रहा है ऑफ़र,
10 दिन के लिए ऑफर चल रहा है। अगर आप लोग इसे खरीदते हैं तो आप लोगों को 2900 रुपये में ये जैसे कि मिल जाएगा। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ आप लोग जैसे कि कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, अमेजोन का भी लिंक है, वहाँ से आप लोग परचेस कर सकते हैं। हाँ, अमेजोन में आप लोगों को रेट ज़्यादा मिलेगा और ऑफलाइन लेने से आप लोगों को रेट कम मिलेगा। तो आप लोग कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, उससे आप बात कर लीजिए कैसे आप लोगों को ऑफलाइन मिलेगा, उसी से कीजिए। तो गाइस, यहाँ से हम लोग वीडियो ख़त्म करते हैं और अगला वीडियो के लिए आप लोग इंतजार कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जुड़ा रहिए सजीर भाई गुरु यूट्यूब चैनल के साथ।